अस्सलामुअलैकुम, पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। घोटकी ग्रिड स्टेशन के कंट्रोल रूम में आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जिससे कंट्रोल रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड अमला आग को बुझाने में मसरूफ। आग के बायस मुतअद्दिद फीडर बंद कर दिए गए। डॉक्टर जाहिदुल्ला की हदायत पर DSP हेडक्वार्टर इफ्तखार अहमद की क्यादत में SHO थाना सराय साले साजिद फरूक ने हमरा नफरी पुलिस कार्रवाई करते हुए 14 साल से कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उर्ज शरीफ के नवाही इलाका बंगला मस्तोई में मुआशी मेला सज गया। मुख्तलिफ गलाबानों ने खूबसूरत बकरियों की नुमाइश की। आवाम की कसीर तादाद ने मेले में शिरकत की। मजीद जानते हैं अब्दुल्ला मस्तोई की इस रिपोर्ट में। उर्ज शरीफ के नवाही इलाका बंगला मस्तोई पर सजा मेले का रंग खूबसूरत बकरियों के संग मुख्तलिफ गलाबानों की कीमती बकरियों के रेवड़ जमा हुए एक वसी और अरीज मैदान में, जिसे देखने के लिए उमंड आया लोगों का जमे गफीर। मैदान के दरमियान में बकरियों के लिए बनाया गया वाकवे, वक्फे वक्फे से वाकवे पर छोड़ा गया एक एक रेवड़। बकरियों ने चलकर जमाए अपने रंग के, देखने वाले रह गए सब के सब दंग। 80 गलाबानों की खूबसूरत मॉडल बकरियों ने लिया इस मेले में हिस्सा। हर रेवड़ की खूबसूरती और चाल का मंजर था दीदनी। लोगों को देखकर कुछ मजा आया, ऐसा जैसे देखा हो उन्होंने ये मेला पहली बार। आखिर में जीतने वाली मॉडल बकरियों की कराई गई दस्तार और लोगों ने कर डाली गलाबानों की तारीफ। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल्ला मस्तोई, पॉपुलर न्यूज और शरीफ। न्यूज रूम से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज।